हाँ तो हम क्या देखेंगे, रीजंस फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। तो इसको ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया, दो पॉइंट्स बताए थे कि LHL RHL के बराबर नहीं होता तब मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उन दोनों में से कोई भी अनडिफाइंड हो जाए तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, तो हम क्या तीनों पॉइंट दोबारा लिखना है। क्या है देखो, पहला पॉइंट इज, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट इज रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, मैंने कहा LHL कॉमा RHL और बोथ आर अनडिफाइंड, आर या फिर बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, मेरा मतलब है प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर मैंने देखा सेकंड पॉइंट कि एक ये तो क्या डज नॉट एग्जिस्ट, फिर मैंने बोला LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहे हैं बट आर अनइक्वल, LHL कॉमा RHL एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, तभी मेरा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड विच इज अ इंपॉर्टेंट वन, इफ फंक्शन फ्लक्चुएट्स, ठीक है ना। ये चीज मैंने कहाँ यूज की थी, तो मैं पीरियोडिसिटी में यूज की थी, ठीक है, याद करो। मैंने उधर बोला भी था कि इस टाइप का डिटेल डिस्कशन हम लिमिट्स में लेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो देखो इन दोनों के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, एक एक एग्जाम्पल छोटा छोटा देख लेते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन इसका देखते हैं हम, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करके ये तीनों पॉइंट लिख लो, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो LHL बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने कल, उसी टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने लिखा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस लेट से 25 अपॉन एक्स माइनस 5, दिस इज माई fx, और मैं निकाल रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 5। तो पहले मैं LHL की बात करता हूँ, देखना ध्यान से LHL के लिए, एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर बोथ आर, नहीं ये गलत एग्जाम्पल हो गया, एक मिनट, इसको ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। मैंने लिखा इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया, और इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख लो, चलो 1 पे निकाल रहे हैं, चलो इसको मैं 4 कर रहा हूँ और इसको मैं 1 कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम चेंजिंग इट एग्जाम्पल, देखना मैंने बोला अब मुझे लिमिट निकालना x इज इक्वल टू 4 पे, लिमिट एट x इज इक्वल टू 4, मतलब ऐसा आया फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4। तो मेरे को कौन सा केस मैं बता रहा हूँ, पहला जो मैंने लिखा दोनों अनडिफाइंड आएंगे, तो देखो कैसे आ रहे हैं। मैंने लिखा RHL की बात करते हैं, RHL, तो RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, तो जब x 4 प्लस को जाएगा तो देखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो कहाँ जाएगा, 16 माइनस 1 15 को अप्रोच करेगा, और जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या है, 4 प्लस है। अब देखना 4 प्लस और 4 माइनस में डिफरेंस है, 4 प्लस में मतलब 4.00000 समथिंग, लेट से 4.00001, मैंने बोला 4 प्लस मतलब लेट से 4.000, बहुत बार 0 लगा दिया फिर 1 लगा दिया, इसको मैं अगर 4 में से घटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 0 अप्रोचिंग, और 0 भी अप्रोचिंग तो ठीक है, बट वो 0 अप्रोचिंग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब इधर क्या आएगा हमारा 0.0000 जितनी बार भी इधर 0 लगाया है और 1, तो ओवरऑल ये मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को, तो मेरे RHL क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। LHL की बात करते हैं, LHL के लिए फिर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, तो देखो न्यूमरेटर तो 15 को जा रहा है, 15 वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब डिनोमिनेटर देखो, 4 माइनस मतलब क्या हुआ, 4 माइनस से मेरा मतलब होगा 3.9999, ऐसे लिख दिया लाखों बार। अब इसको मैं अगर 4 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगा, मेरा 0 का अप्रोच करेगा बट वो माइनस 0.00000 समथिंग ऐसा होगा कुछ, तो अब ये ओवरऑल किसको जाएगा, दिस विल टेंड टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो देखो RHL भी डज नॉट एग्जिस्ट आया, LHL भी डज नॉट एग्जिस्ट आया, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो हो गया मेरा एक एग्जाम्पल वेयर माई RHL एंड RHL बोथ आर अनडिफाइंड। अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें एक तो डिफाइन आ जाए और एक अनडिफाइन आ जाए, कॉपी करते जाना तुम लोग। मैंने बोला एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू लेट से सिंपल e की पावर लेट से 5 की पावर 1 बाय x, ठीक है। फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे निकालना, फाइंड लिमिट
एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहले आर एच एल की बात करते हैं, आर एच एल तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस फाइव की पावर वन बाय एक्स। अब देखो जब जीरो प्लस है इसका मतलब क्या है, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, तो वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन क्या होगा, इन्फिनिटी। तो फाइव रेस टू पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ। तो मेरा आर एच एल तो एग्जिस्ट नहीं किया बिकॉज इन्फिनिटी आया, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं एल एच एल की बात करता हूँ, अब देखना इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है ये, इसको मैं नोट के फॉर्म में भी लिखवाऊंगा कि वन बाय एक्स का जो बिहेवियर होता है ना जीरो पे ड्रास्टिक चेंज होता है, एक बार इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे, अभी हम देखेंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो एज ए नोट भी हम लिखने वाले हैं इसको, ठीक है ना, आगे चल के। फिर मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो फाइव की पावर वन बाय एक्स। तो अब एक्स क्या है मेरा, माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 समथिंग, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये मेरा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है फाइव रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग, और ये किसको जाएगा, फाइव की पावर माइनस इन्फिनिटी है, मतलब वन अपॉन फाइव की पावर इन्फिनिटी है ना, ये ऐसा लिखा है वन अपॉन फाइव की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो ये कहाँ जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब जीरो को जीरो होगा। तो मेरा एल एच एल तो आ गया फाइनाइट, बट आर एच एल इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखवाया, कि जो पहले ही पॉइंट जो लिखवाया था उसमें क्या बोला था, या तो दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हो या एक भी डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो मेरा लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। चलो अब और एग्जांपल देखते हैं, अब मैं ले रहा हूं दोनों एग्जिस्ट करें बट इक्वल ना है, तब भी मेरा क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसका एग्जांपल जरूर मैंने कल लिया था, क्या लिया था, वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और किसी भी इंटीजर पे बात कर लो, तो लेट्स से एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो मैंने लिखा आर एच एल, तो एट एक्स इज इक्वल टू फाइव ग्राफ बनाएंगे तो हमें ऐसा आएगा, ये पार्ट ये दो तीन चार और ये पाँच, ठीक है ये मेरा फाइव है। वैसे मुझे इतना बनाने की जरूरत थी नहीं, इधर ही बना देता मैं डायरेक्टली, इधर स्केल कर देता, चलो ठीक है बना लिया। आर एच एल की बात करें तो आर एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव प्लस, तो फाइव प्लस मतलब मैं इस साइड से आ रहा हूँ, तो मेरा लिमिट क्या होगा, फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ, तो दिस विल बी जीरो। और एल एच एल क्या होगा मेरा, ये कल भी कराया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव माइनस, फाइव माइनस में क्या होगा, यहाँ से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू क्या है, वन है ना, ये वाली वैल्यू, तो दिस इज वन। तो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है बट आर अनइक्वल, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज है जो नया, एकदम नया हमारे लिए, दैट इज इफ फंक्शन फ्लक्चुएट्स तब भी हमारा क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला फंक्शन फ्लक्चुएट वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना, मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लेट्स से वन बाय एक्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं एक मिनट एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले इसका एक बार ग्राफ बना के बताओ, ठीक है ना, जस्ट वीडियो पॉज करो और इसका ग्राफ बनाओ। देखो हमने इसको पीरियोडिसिटी में लिया था और मैंने बोला था कि इसको कैसे, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की कंपोज उसकी पीरियोडिसिटी कैसे देखते हैं, अगर मेरा एफ पीरियोडिक है फिर हम जी को देखते हैं, क्या वो लीनियर है, नहीं है, क्या वो पीरियोडिक है, नहीं है, तो फिर क्या होता है, ये नॉन पीरियोडिक। तो उधर हमने लिखवाया था, चाहे इधर एक्स लिखा हो चाहे एक्स स्क्वायर लिखा हो, दिस इज नॉन पीरियोडिक, ठीक है। अच्छा तो नॉन पीरियोडिक तो है, अब तुम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला मेरे को लिमिट करना है डिस्कस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो अब क्या है कि मैंने जैसे x इज इक्वल टू 0.01 लिखा, चलो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा आसानी होगी तुम लोगों को समझने में, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा कवर हो जाएंगे। चलो कैसे, अगर मैंने x की वैल्यू ये डाली तो y मेरा क्या होगा, साइन ऑफ 1 अपॉन 0. चलो इसको मैं पहले 0.1 ही ले लेता हूँ, एक बार 0.1 ले लेता हूँ, तो मेरा ये कितना आया 0.01, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल ये क्या लिखा है, साइन ऑफ 100, ठीक है। अच्छा अब मैंने एक्स को जीरो की तरफ जाना है मुझे, तो मैं और नजदीक आया, नजदीक आने से मेरा मतलब है एक्स को मैंने लिखा 0.01, जैसे ये तो बहुत दूर है जीरो के, जीरो अप्रोचिंग मतलब तो होता है जीरो के बहुत नजदीक, मतलब 0.00000001,
ठीक है ना, इनफाइनाइट बार जीरो लगा दिया, आखिरी में वन लगा दिया, ये तो फिर भी जीरो से बहुत दूर है, बट फिर भी मैंने समझाने के लिए, फिर ये क्या होगा, वाई इजिकल टू साइन ऑफ वन अपॉन 0.0001, तो दिस इज बेसिकली साइन ऑफ 10,000, करेक्ट साइन ऑफ 10,000। तो सुनो ध्यान से सुनना कि मैंने x का आर्ग्यूमेंट 0.1 से 0.01 लेके गया, ध्यान से सुनना मैं भी ग्राफिकली बता रहा हूँ, मैंने बोला x का आर्ग्यूमेंट अगर मैं 0.1 से 0.01 लेके गया, तो जो मेरा साइन का आर्ग्यूमेंट है, साइन का आर्ग्यूमेंट वो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 100 से 10,000, कितना ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। अब सुनना भी, 100 से लेके 10,000 तक साइन एक्स की कितनी साइकिल आ जाएंगी, बहुत सारी, क्योंकि साइन एक्स की एक साइकिल की लेंथ कितनी होती है, एक साइन एक्स की लेंथ 0 से 2π, मैंने बोला कि साइन एक्स की जो एक पीरियड होता है 2π होता है, मतलब 6 point something होता है, लेट से 6.5 मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है 6.5 की एक साइकिल होती है, तो x को मैं इतना सा वेरी कर रहा हूँ केवल 0.01 से 0.1, तो सोच रहे हो इसमें कितनी साइकिल आ जाएंगी लगभग, जैसे मैं अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि इस इंटरवल के अंदर जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो 10,000 से 100 चेंज हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10,000 माइनस 100 और एक साइकिल की साइन लेंथ मतलब साइन जो लेंथ है दैट इज लेट से 6.5, तो इसका आंसर कितना साइकिल आने वाला, बहुत बड़ा आंसर आएगा, बहुत बड़े से मेरा मतलब है काफ़ी हद काफ़ी साइकिल्स आ जाएंगी, जैसे मान लिया 10,000 है ना, तो 6,000 से भी ज़्यादा साइकिल आ जाएंगी, मतलब 1,500 के आसपास साइकिल आ जाएंगी, 1,000 से 1,500 के बीच में। तो सोचो मुझे जब मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये जीरो है, लेट से ये वाला पॉइंट है 0.1 और ये है लेट से 0.01, सॉरी उल्टा ले लिया, ये मेरा होगा जीरो के नज़दीक 0.01 और ये है 0.01, एक मिनट, हाँ 0.1। अब इतने से इंटरवल के अंदर साइन एक्स की कितनी साइकिल आनी है, 1,000 से 1,500, तो यू विल सी कि ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये तो बहुत दूर है जीरो के, बट जैसे मैं जीरो के और नजदीक जाऊंगा तो ये जो साइकिल्स है ना और क्लोज होती जाएंगी, मतलब ग्राफ विल बी समथिंग लाइक पूरा ऐसे, और धीरे धीरे क्या होगा ये एक्सपैंड होगा, धीरे धीरे साइड साइन की जो है ना विड्थ वो बढ़ेगी, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, दिस विल बी द काइंड ऑफ ग्राफ, हाइट सेम रहेगी, ऑफकोर्स तुम्हें ग्राफ में लग रहा है हाइट मैंने डिफरेंट बनाया, हाइट विल बी सेम, बट जो पीरियड है ना वो स्ट्रेच होता जाएगा बाहर जा जाके जीरो के आसपास, तो मतलब ग्राफ विल भी बिल्कुल चुपका हुआ होगा, समझ में आया। इसीलिए x इजिकल टू जीरो पे क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे जीरो के नजदीक देखूंगा ना मैं 0.00001 पे, तो साइन x जो है ना साइन ऑफ 1/x नॉट साइन x साइन ऑफ 1/x स्क्वायर लेट्स से ये फ्लक्चुएट करेगा, वी कैन नॉट टेल इट्स वैल्यू कि किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, दिस विल फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट्स बिटवीन -1 and 1, वी कैन नॉट टेल द लिमिटिंग वैल्यू की पर्टिकुलर लिमिट, मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए ना, बट दिस विल बी फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिमाइंड करो दोबारा सुनो, फिर भी नहीं आता है तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो, ठीक है ना, चलो ठीक है, याद रखना इसको, x इज इक्वल टू 0 पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। चलो अब मैं रब कर देता हूँ इसको, हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है इसमें देखना, जैसे अभी जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं LHL और RHL, अभी तो हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि दोनों बराबर होना चाहिए, बट ऐसा भी केस हो सकता है कि हमें केवल एक ही देखना पड़े, वो कब देखना पड़ेगा उसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इसको नोट के फॉर्म में लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और मुझे निकाला है लिमिट एट, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो मैंने क्या करूं ग्राफिकली जाता हूं, तो पहले मैंने इसका ग्राफ बनाया, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ये मेरा हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ, दिस इज माय 1, आउटपुट इज π/2, ठीक है, मैं 1 की बात कर रहा हूं तो मैं इधर नंबरिंग नहीं कर रहा हूं। अब देखना, अब जब मैं x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहा हूं ना, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट RHL, क्यों, क्योंकि RHL में तो ग्राफ ही नहीं है, RHL जो है
वो डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि वन, तो इधर मैं क्या करूंगा, केवल और केवल LHL देखूंगा। हाँ, अगर LHL फाइनाइट आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वी विल नॉट टॉक अबाउट RHS। समझ में आया क्या बोला मैं दोबारा एक बार, कि x इज इक्वल टू 1k राइट में तो ग्राफ ही नहीं है ना, तो लिमिट की तो बात ही नहीं करेंगे हम उधर। तो क्या बोलूंगा, इधर लिख लेते हैं, वी विल सी इन डोमेन ओनली, वी विल सी द लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इन डोमेन ओनली, मतलब जहां ग्राफ नहीं है वहां तो हम बात ही नहीं करेंगे ना लिमिट की। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, जब भी एक्सट्रीम पॉइंट्स, वैसे बोल सकते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट की जगह एक्सट्रीम पॉइंट्स में जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा ना, तो मैं केवल एक ही निकालूंगा, LHL या फिर RHL, डिपेंड करता है ग्राफ किस साइड दिया है। जैसे अगर मान लो मेरे को इसी क्वेश्चन में -π/-1 पे बोलते हैं, तो मैं क्या बोलता, इधर मैं केवल RHL की बात करता, LHL की बात ही नहीं करता, क्योंकि -1 के लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है मेरा। क्लियर हुआ? तो मैं इधर लिखूंगा, देखना इधर मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कितना आ रहा मेरा, π/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 1 प्लस इस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता से मेरा मतलब है कि वो देखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है x के राइट हैंड साइड। सो दिस विल, आई विल से दिस बोथ आर करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, चाहे तुम 1 माइनस लिख लो या नहीं लिखो, बात बराबर है। दिस मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट LHL ओनली। क्लियर है बच्चों? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। तो लिख लो, टॉपिक नाम ही लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। एक बार ग्राफिकली और समझ लेते हैं लिमिट्स को, हालांकि कुछ नया नहीं है, वही ग्राफिकली मुझे बताना पड़ेगा कि कहां जा रहा है फंक्शन का, बहुत ही आसान पॉइंट है। तो लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ग्राफिकली देखेंगे अब तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेट्स से मैंने बोला एक मेरा ये ग्राफ जा रहा है ऐसे, और लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू 2, ये मेरा चलो ये y एक्सेस है, और ये जो मेरा वैल्यू है लेट्स से 3 है, और फिर मेरा ग्राफ ये है, लेट्स से ये वैल्यू 5 है। ठीक है, फिर मैं और ग्राफ दिखा देता हूँ इधर। तो लेट्स से मैंने लिखा यही ले लेता हूँ, इसको अब फिल कर देता हूँ, इसको मैंने ऐसे ले लिया, लेट्स से वही 2, 3 और 5। ठीक है, अभी ये एग्जांपल देख रहे हैं, और भी देखेंगे। तो अब मैंने बोला कि x इजिकल टू 2 पे ग्राफिकली मुझे लिमिट समझना क्या है, तो क्या करूँगा मैं, जैसे मैंने इस ग्राफ में LHL की बात करूँ, LHL लिमिट, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखो कि ग्राफ की कौन सी ब्रांच यूज हो रही है, देर आर 2 ब्रांचेस, ये और ये, तो ये वाली ब्रांच हो रही है, तो ये वैल्यू, ये ब्रांच किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है, कहाँ एंड अप हो रही है, देखो 3 पे ना, तो मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, 3, बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर मैंने बोला इधर RHL, RHL क्या होगी, तो RHL के लिए मैं x को कहाँ से टेंड करूँगा, 2 प्लस से, तो इधर से अप्रोच करूँगा, तो ब्रांच कौन सी यूज़ हो रही है, ये वाली, तो अब देखा ये वाली ब्रांच किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, इसको, और ये है क्या 5, तो ये हो जाएगा 5। अब LHL RHL बराबर नहीं है, तो ग्राफिकली मैं बोल सकता हूँ इस फंक्शन के लिए, जिसका भी ये ग्राफ है उसके लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखूंगा, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist. ठीक, सिमिलरली उधर देखते हैं, तो उधर भी ऑलमोस्ट सेम कहानी है। LHL की अगर मैं बात करूं, LHL की, तो कितना आ रहा है, 2 से इधर अप्रोच किया, तो ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। RHL क्या हो जाएगा मेरा, ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, 5 को, तो LHL RHL आया, तो इधर भी क्या हुआ मेरा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इधर f ऑफ 2 डिफाइन ही नहीं है, इधर f ऑफ 2 डिफाइन है, क्योंकि इधर फिल्ड सर्कल है ना, तो f ऑफ 2 की वैल्यू इधर 3 है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, इधर f ऑफ 2 क्या है, अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, मैंने कल एक नोट लिखवाया था तुम लोगों को कि लिमिट का होना या ना होना फंक्शनल वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करता, दिख रहा है ना, फंक्शनल वैल्यू इधर आ रही है, सॉरी इधर नहीं आ रहे, इधर आ रही है, लिमिट दोनों ही केस में नहीं आ रहे। ठीक है,
ठीक है। तो फंक्शनल जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट कि फंक्शन की वैल्यू उधर डिफाइन है या नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्राफिकली। अब देखो एक बल्कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिसमें सारे मोस्ट ऑफ द टाइप्स कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो देखो ग्राफ में मैं ऐसे लेता हूं जिससे सारे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। चलो तो मैंने लिया लेट्स से एक एसिम्प्टोट बना दिया, ठीक है, ये मेरा एसिम्प्टोट हो गया। फिर मैंने लिया इधर से एक ये ग्राफ ऐसे ब्रांच जा रही है, लेट्स से दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। फिर मेरा चलो फिर मैंने बनाया ऐसे ग्राफ बनाया, और फिर मैंने इधर एंड अप कर दिया इसको, और लेट्स से ये मेरा हो गया वन। फिर मैंने अगेन दूसरा एसिम्प्टोट ले लेता हूँ, दूसरा एसिम्प्टोट ऐसे लिया, और लेट्स से फिर मैंने इधर इधर ये लिखा, और फिर मैं ये ले रहा हूँ, चलो इसको और ले लेते हैं, ये ले लिया ग्राफ। अच्छा फिर मैंने इधर एक हॉलो सर्कल लगाया और एक वैल्यू ले लेता हूँ, ये ले लिया, चलो। और देखो एक हो गया मेरा प्लस माइनस इन्फिनिटी वाला हो गया, एक एक लिमिट हो गया, एक एल एच एल आर एच एल नॉट इक्वल टू वाला ले लेते हैं। तो लेट्स से चलो मैं इसी को बढ़ा रहा हूँ ग्राफ को, जस्ट लुक एट हियर, मैं बोल रहा हूँ इसी को मैं ऐसे ले रहा हूँ, चलो मैंने ले लिया ऐसे ले लिया, ठीक है, और इस केस में मैं ऐसे लिख रहा हूँ। चलो इतना ग्राफ है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ, लेट्स से माइनस वन, इधर मेरा ये वन है, लेट्स से ये टू है, लेट्स से ये थ्री है, लेट्स से ये फोर है, ये मेरा फाइव है, ठीक है। अब मैं वाई एक्सिस पे स्केल कर रहा हूँ, तो वाई एक्सिस पे स्केल करने के लिए चलो मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से ये वैल्यू आ रही है एक तो, और एक लेट्स से ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा फिर एक मेरा ये वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है एक ये वाली वैल्यू है, रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, एक मेरी ये है और एक मेरी ये है, ठीक है, और एक और बचा ये वाला, तो लेट्स से इसको मैं इधर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, ध्यान से बनाना ग्राफ। अब मैं उनको डेड डैश कर देता हूँ, जो रेड कलर वाली है उसको मैं डेड डैश कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरे ग्राफिकल के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। चलो अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, तो नंबर कुछ भी लिख लो, तो लेट्स से वन से टू से स्टार्ट करते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो अब डिस्कशन लेते हैं, ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट। तो माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, तो पहले एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो मैंने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे देखा एल एच एल क्या होगा, ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो एल एच एल क्या होगा मेरा, एल एच एल प्लस इन्फिनिटी। आर एच एल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, कहाँ अप्रोच कर रहा है, अगर मैं वन की तरफ माइनस वन की तरफ जाऊंगा तो ग्राफ की ये वाली ब्रांच यूज होगी, ये कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी को, तो ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी एक इनफाइनाइट आ जाता है तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इधर तो दोनों ही इनफाइनाइट आ गए। फिर आते हैं हम वन की तरफ, एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन पे मेरा एल एच एल क्या होगा, एल एच एल यहाँ से जाऊँगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, इसको, और ये वैल्यू क्या है, फोर, तो एल एच एल मेरा क्या हो गया, एल एच एल इज इक्वल टू फोर। अब आर एच एल, आर एच एल क्या हो जाएगा मेरा, इस साइड से अप्रोच करूंगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, और ये कहाँ अप्रोच कर रही है, अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं है, इसको इधर ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। अच्छा दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको हॉलो कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। समझ में आया ना मेरा फील्ड क्यों नहीं लगाया, बिकॉज फील्ड लगाता तो एक्स इजिकल टू वन पे दो वाई मिल रहे हैं, तो फंक्शन ही नहीं होता मेरा, ठीक है। चलो अब फिर मैंने बोला आर एच एल क्या होगा, ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, एट को, तो दिस इज माई एट, तो अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच, ऑल दो बोथ आर फाइनाइट। अच्छा मैंने बनाते वक्त वेट अ मिनट एक काम करता हूँ, चलो लिख लिया कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, मैं एक्चुअली पहले मेरा इंटेंशन क्या था, इसको भी एसिम्प्टोट बनाना, इसलिए मैंने ये डैश लाइन बनाई थी अभी, ठीक है ना, तो करना है तो चलो कर ही लो तुम चेंज, क्या करो इसको
इधर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा एसएमटोट का काम कर रहा है, तो मैंने इधर फील्ड नहीं बनाया था, ऐसे बनाया था। इसका मतलब क्या है, मेरा x इज इक्वल टू वन एसएमटोट है, तो इधर मेरा RHL क्या आएगा, RHL विल बी प्लस इन्फिनिटी, तो ओवरऑल मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। फिर मैंने लिया एट x इज इक्वल टू टू, LHL क्या होगा मेरा, ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, टू को, तो LHL विल बी टू। RHL कितना होगा, ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, टू को, तो LHL इज इक्वल टू RHL, तो इस केस में मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज टू। क्लियर है। फिर आते हैं थ्री पे, तो एट x इज इक्वल टू थ्री, LHL कितना होगा, ये वाली ब्रांच यूज होगी, कहाँ अप्रोच कर रही है, फाइव को, चलो ठीक है। फिर RHL ये वाली ब्रांच यूज होगी अगेन, वो भी फाइव को, तो LHL इक्वल टू RHL और ये दोनों बराबर है, हैंस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू फाइव। वैसे आगे चल के पढ़ेंगे टू पे और थ्री पे, दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट टू पे और थ्री में डिफरेंस क्या है कि टू पे फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड दी नहीं है, मतलब फंक्शन इज अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू, बट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है, फाइव है। तो आगे जाके पढ़ेंगे थ्री पे कंटिन्यूस है, टू पे डिसकंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ टू पे और थ्री पे अंतर क्या है, मैंने क्यों ऐसा ग्राफ बनाया, इंटेंशन क्या था मेरा ऐसा बनाने के लिए, ठीक है। दोनों ही पॉइंट पे लिमिट तो आ रहा है, बट एक पे फंक्शन डिफाइन है, एक पे नहीं है, ठीक है। थ्री पे कंटिन्यूस होगा, टू पे डिसकंटिन्यूस होगा ग्राफ। अच्छा ये तो क्या माइनस वन वन टू थ्री या फोर पे बात करते हैं, तो लेट्स से इधर लिख लेता हूँ मैं एट एक्स इज इक्वल टू फोर, तो LHL की बात करते हैं। LHL क्या होगा, यहाँ से इस साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो कहाँ जा रही है ये, थ्री को, तो दिस इज थ्री। RHL को देखते हैं, तो RHL के लिए ये वाली ब्रांच यूज होगी, ये कहाँ अप्रोच कर रही है, सिक्स को, तो RHL इज सिक्स। क्लियर है बच्चों। अच्छा तो क्या लिखूँ मैं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आते हैं हम फाइव पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, एट x इज इक्वल टू फाइव, तो मेरा LHL क्या होगा, ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो ये किसको अप्रोच कर रही है, सेवन को, तो LHL विल बी सेवन। RHL क्या होगा, ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, एट को, तो RHL विल बी एट। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ओवरऑल कितने पॉइंट पे एग्जिस्ट की, एक तो x इज इक्वल टू टू पे और एक एट x इज इक्वल टू थ्री, बस यही दो पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा एट एक्स इजिकल टू माइनस वन हमारा लिमिट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में, ये पहला केस हो गया, प्लस माइनस इन्फिनिटी, बोथ LHL एंड RHL आर अनडिफाइंड। ये वाला जो मेरा एट एक्स इजिकल टू वन, कौन सा केस हो गया, एग्जैक्टली वन इज अनडिफाइंड, तब भी मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और फिर मेरा ये एक्स इजिकल टू फोर पे, कौन सा वैल्यू हो गया, एक्स इजिकल टू फोर एंड फाइव पे, फोर एंड फाइव पे दोनों एग्जिस्ट कर रही है LHL और RHL, बट दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, मतलब इसी एक क्वेश्चन में तुम्हारा सारा कवर हो गया ग्राफिकली, लिमिट्स को कैसे रीड करते हैं या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है ना, और अच्छे से पढ़ो, और अभी तो मैं शीट नहीं दे रहा हूँ लिमिट की, अभी तो तुम फंक्शन पे कंसंट्रेट करो, ठीक है ना, जब तक फंक्शन और थोड़ा स्ट्रांग ना हो जाए, और उसके बाद एक लेवल पे पहुंच जाए लिमिट्स पे, हम एक दो लेक्चर, दो तीन लेक्चर बाद, तब मैं तुम लोगों को होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा लिमिट्स में, तब तक के लिए यू शुड प्रैक्टिस फंक्शन, ठीक है ना। तो फिर बहुत है इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।